संदीप अरुणिता का एक वीडियो निकलकर सामने आ चुका है जिसका आप सभी को इंतजार हो रहा होगा। आखिरकार पवनदीप अरुणिता कार में क्या कर रहे थे? कार के अंदर इस कपल को एक दूसरे के इतने क्लोज होते देख एक बार फिर से इनके प्यार का शक यकीन में बदल गया। एक बार फिर से इस कपल को प्यार का नाम दे दिया गया है और शादी की बातें भी जोरों शोरों से होने लगी है। दरअसल हुआ ये कि पवनदीप अरुणिता हल्द्वानी शो में गए थे और इस शो में पवनदीप अरुणिता एक दिन पहले ही पहुंच गए थे क्योंकि अरुणिता को पवनदीप के संग हल्द्वानी में घूमना था। ऐसे में दोनों एक दिन पहले पहुंचकर घूमते दिखाई दिए और उसी वक्त इन्हें कार में एक साथ देख लिया गया। जो वीडियो सामने आई है उसमें कार के अंदर पवनदीप अरुणिता बैठे दिखाई दे रहे हैं और इनके कुछ फैंस इनकी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, जिसके बाद पवनदीप कार की विंडो बंद कर देते हैं और उन्हें वीडियो बनाने से रोकते भी हैं। जब वो नहीं मानते तो उन्हें कार की खिड़की बंद करनी होती है और जल्दी से वहां से निकल भी जाते हैं। ना जाने पवनदीप ऐसी क्या बातें कर रहे थे जिसकी वजह से वो वहां से निकल भी जाते हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि पवनदीप के संग ये लड़की क्या सच में अरुणिता ही है? अब इस पर भी लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है कि ये अरुणिता है, ज्योति दीप है या चांदनी राजन है। इसके पीछे की हकीकत शायद आपको नहीं पता होगी लेकिन हम आपको बताते हैं। दरअसल कार के अंदर पवनदीप तो थे, वो भी एक लड़की के संग, लेकिन वो लड़की अरुणिता नहीं थी बल्कि ऋतुजा देशमुख है जो कि चॉकलेट मैनेजर और अरुदीप के शोज को मैनेज करती हैं। ऐसे में इस गाड़ी में उस वक्त अरुणिता नहीं बल्कि ऋतुजा देशमुख थी। पवनदीप ऋतुजा एक दूसरे के संग काम के सिलसिले में बाहर निकले थे, हालांकि उनके संग अरुणिता भी गई थी लेकिन अरुणिता को पवनदीप छोड़कर आए थे। इनके अलावा इस वीडियो में इस लड़की को लोग अरुणिता भी बता रहे हैं, कुछ लोग ज्योति दीप बता रहे हैं, कुछ लोग चांदनी राजन भी बता रहे हैं। लेकिन ये सवाल हमने आप पर भी छोड़ दिया है, आप भी सोचकर फोटोज को जूम करके देख सकते हैं और आपको कौन दिख रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो ने फैंस की नींदें उड़ा दी हैं। अरुणिता कांचीलाल इस वक्त अपने घर कोलकाता में जरूर हैं और कोलकाता में वो इतनी मौज मस्ती नहीं करती होंगी जितनी वो उत्तराखंड में खुश रहती हैं और उत्तराखंड में सभी के संग दिन को एंजॉय भी करती हैं। अब आखिर ऐसा भी क्या है उत्तराखंड में कि पवनदीप के साथ साथ अरुणिता को भी वही अच्छा लगता है? चलिए एक सबूत हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो में देखिए उत्तराखंड में खेतों में घूम रही है अरुणिता। अरुणिता जब उत्तराखंड जाती तो वहां वो खूब घूमती है और हर पल को खूब एंजॉय करती है और पवनदीप उन्हें ऐसा करने को बोलते भी हैं। खेतों में फोटो शूट करवाती दिखाई नहीं अरुणिता। ये वीडियो उत्तराखंड की बताई जा रही है। उत्तराखंड के खेतों में फूल पत्तों के बीच नजर आ रही है अरुणिता। उनकी दोस्त उनका फोटो शूट कर रही है और इस बीच अरुणिता के चेहरे की खुशी तो देखिए जो पवनदीप के पास होने का साफ साफ एहसास करा रही है। और जब अरुणिता अपने घर कोलकाता में होती है तो माता पिता के संग एंजॉय तो करती है लेकिन उनके चेहरे पर वो नूर नहीं दिखता, वो रौनक नहीं आती है। उत्तराखंड में वो दृष्टि के संग पहाड़ों पर भी खूब एंजॉय करती नजर आई थी। पवनदीप के संग जब उन्होंने गाना शूट किया था तो उन्होंने शूटिंग से ज्यादा अपने फोटो शूट पर ध्यान दिया था और उत्तराखंड में खूब मौज मस्ती भी की थी। वहीं आपको बता दें इस वक्त अरुणिता कांचीलाल शो से फ्री होकर अपना टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड कर रही है और उनके फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शो में अरुणिता वापसी करेंगी। पवनदीप राजन हाल ही में हल्द्वानी शो में गए थे। शो की एक से एक जबरदस्त फोटोज और वीडियोस तो आप पहले ही देख चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो में कुछ ऐसा हुआ जिसने अरुणिता के चेहरे की रौनक छीन ली। अरुणिता कांचीलाल इस शो में जाने के लिए बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि करीब एक महीने बाद पवनदीप अरुणिता एक साथ इस शो में काम पर वापस हुए थे तो खुशी तो होगी लेकिन दुर्भाग्य से अरुणिता की खुशी को नजर लग गई। हालांकि शो से पहले अरुणिता बहुत खुश थी उसका अंदाजा आपने फोटोज से लगा लिया होगा। शो से पहले उन्होंने ढेर सारे फोटो शूट करवाए, रील्स वीडियो भी बनवाए लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि अरुणिता का चेहरा मुरझा गया और अरुणिता एक मिनट भी वहां नहीं रुकी। दरअसल हुआ ये था कि शो करने के बाद जैसे ही पवनदीप अरुणिता को सम्मानित किया जा रहा था, उन्हें विदा किया जा रहा था तो ढेर सारे फैंस ने अरुणिता पवनदीप को घेर लिया था। पवनदीप अरुणिता हर किसी के संग सेल्फी लेते दिखाई दिए, ऑटोग्राफ भी दिए लेकिन एक महिला थी जो सिर्फ और सिर्फ पवनदीप को ही देखे जा रही थी और तो और इस महिला ने पवनदीप के संग ही सेल्फी ली, अरुणिता की तरफ देखा तक नहीं, अरुणिता के पास आई तक नहीं। फोटो में देख सकते हैं साड़ी पहने महिला जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है और वो पवनदीप के बिल्कुल करीब होकर खड़ी नजर आ रही है। अब ये सब देख कर अरुणिता का मूड खराब हो गया और काफी देर तक अरुणिता उस महिला को देखती रही, उसका एटीट्यूड देखती रही और जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो
वहां से चली गईं। अरुणिता का मुरझाया हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि वो पवनदीप के पास किसी भी लड़की को खड़े देखना पसंद नहीं करती हैं। पवनदीप अरुणिता के हल्द्वानी शो के कुछ बिहाइंड वीडियोस और पिक्चर्स आ चुके हैं। अरुणिता की नजर पवनदीप से हटती ही नहीं, तो सोचिए वो जब अपने घर कोलकाता गई थी तो अरुणिता का क्या हाल हुआ होगा, अरुणिता ने कैसे खुद को संभाला होगा। तो चलिए अरुणिता काम के साथ साथ कैसे पवनदीप को देखती है हम आपको एक झलक में दिखाते हैं। वायरल वीडियोस में आप देख सकते हैं पवनदीप हल्द्वानी मंच पर अरुणिता कांचीलाल के साथ नजर आ रहे हैं। मंच पर अरुणिता कांचीलाल माइक लेकर खड़ी है और पवनदीप पियानो पर उंगलियां चला रहे हैं। अरुणिता गाना तो गा रही है लेकिन पवनदीप को ही देखे जा रही है, पवनदीप की उंगलियों को नोटिस किए जा रहे हैं, पवनदीप को बहुत गौर से देख रही हैं। सिर्फ एक ही फोटो नहीं बल्कि वीडियो में देखिए कई बार दोनों मंच पर एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, एक दूसरे से बातें भी करते हैं और तो और पवनदीप हाथों के इशारे भी करते हैं। और उस दौरान पवनदीप के चेहरे के स्माइल तो देखिए, ना जाने पवनदीप को क्या मिल जाता है कि चेहरे के स्माइल कुछ और ही बयां कर रही है। माना कि अरुणिता मिल गई है, अरुणिता पास होती है तो उनके चेहरे का नूर भी बदल जाता है, लेकिन पवनदीप अपने हाथों के इशारे अरुणिता को देखकर क्यों कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल मंच के नीचे खड़े फैंस पवनदीप अरुणिता का नाम अरुदीप लेकर बोल रहे थे। जब अरुदीप ने अपनी तारीफ सुनी तो बहुत खुश हुए, उन्होंने खुशी खुशी में अरुणिता की तरफ हंसते हुए जनता को हाथों से इशारे किए। इस दौरान पवनदीप की इस प्यारी से स्माइल पर कितने लोग लट्टू हुए होंगे और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो अरुणिता कांचीलाल का ही है, जो कि बस पवनदीप को देखकर मुस्कुराए जा रही हैं, आंखों ही आंखों बातें की जा रही हैं। पवनदीप राजन कल अचानक से चंपावत पहुंच गए और कल पवनदीप को चंपावत पहुंचना जरूरी भी था, उनकी जगह कोई और बेटा भी होता तो शायद यही करता जो पवनदीप ने किया। और पवनदीप तो दुनिया के सभी बेटों में से सबसे अनोखे हैं, वो अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली का जिस तरह से ख्याल ध्यान रखते हैं वो शायद ही कोई करता होगा। जी हाँ, कल फिर से पवनदीप ने साबित कर दिया कि वो अपनी माँ के लिए लाडले तो हैं ही, साथ ही चांद का वो टुकड़ा है जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फैंस को खुशी है कि पवनदीप की मां की वजह से ही उन्हें इतना टैलेंटेड और इतना प्यारा सिंगर मिला है। तो कल पवनदीप अपने माता जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चंपावत पहुंचे थे, जहां से कुछ फोटोज आ चुकी हैं। फोटोज ने सभी का दिल जीत लिया, फोटोज देखकर आप तो कमेंट के बिना रह ही नहीं पाएंगे। फोटोज में माँ बेटे का लाड प्यार तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पवनदीप बरसों बाद अपनी माँ से मिल रहे हो, जबकि अभी हफ्ते भर पहले ही पवनदीप अपने घर वालों से मिलकर मुंबई लौटे हैं और फिर से उन्हें शो से टाइम मिला तो वो अपने घर माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंच चुके। फोटोज में राजन फैमिली का प्यार देखकर हर कोई इनके लिए दुआएं कर रहा और इन्हें शुभकामनाएं भी दे रहा है। पवनदीप अपनी माँ की गोद में बैठे नजर आ रहे हैं, जैसे पवनदीप की माँ ने उन्हें बचपन में अपनी गोद में बैठाला था, ठीक वैसे ही पवनदीप की माँ ने फिर से पवनदीप को अपनी गोद में बैठा कर फोटोज क्लिक करवाए, उनका तिलक भी किया और फिर अपना बर्थडे केक काटा। पवनदीप अपने माता पिता के बीच में बैठकर क्यूट पोज देते नजर आ रहे हैं। राजन फैमिली की खुशी को किसी की नजर न लगे।